फोन नहीं उठाया, मैं कहीं लो सारे के सारे सेम टू सेम। एनी वे फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर से इनका फोन आया मुझे, विक्की सतान जी का, तो आई गॉट अ कॉल एंड ही टुक माय ऑडिशन, तो उसमें त्यागी में फिट हो गया मैं, तो फिर इन छह की दोस्ती है मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सौंदर्य, आपने फिल्म के अंदर बहुत सारे चैंटे मारे हैं, तो ये जो आपके बगल में खड़ा है संजय फॉरनर, इसकी वजह से या जीशान ने कुछ ट्रेनिंग दी खास तरह से कि चांटा ऐसे लगेगा? चांटा ऐसे नहीं, ऐसे नीचे से ऊपर आएगा। Paul, I'm very, very, very thankful to Zeeshan and my casting director, Mr. Sidana. I shifted to Bombay, and just within 2 months of shifting to Bombay, I'm Zeeshan. My experience in this film has been so good, so wonderful. Everybody has been so supportive. सबने मुझे बहुत support किया. मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरी पहली फिल्म है. और द बेस्ट पार्ट वॉज, मैं जितनी एक्टिंग सीख के जितना प्रिपेयर करके जा रही थी, जीशान मेरे सारे नोट्स लेके ये फेंक दिया करते थे, ऐसे पन्ने उठते थे, ये क्या हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिंग सीखने वाले लोगों के लिए काम नहीं है। मैं बोलती थी हम एक्टिंग करने आए हैं ना। सो मेरा कोई भी डायलॉग जितना मैंने सीखा रटा वो कुछ भी नहीं होता था, ऑन द सेट सब चेंज हो जाता था। एवरीवन प्लीज से थैंकफुल टू जतिन, बिकॉज ही इज बीन सो सपोर्टिव। मैंने जब ऑडिशन दिया था, ये मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड एवरीवन इन फैक्ट एवरीबॉडी, जयदीप सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आई मीन आई कांट कॉल देम। जी जी जी, ये आपके साथ थे और सदा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और मुकुल सर यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंने यहां से ही बोला माइक सर आपके हाथ में, और बताएं सर आप इंस्पेक्टर कैरेक्टर कर रहे हैं, अंदर बड़का फटक आ गया। हाँ, दिल्ली पुलिस का है। इज द ओनली एक्टिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब ये इतना बेहतरीन एक्टर है। बिल्कुल, डायरेक्टर अच्छा है वो तो आपको पता ही लग जाएगा, बट ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर इज वेल। और इन लड़कों ने एक सीन किया इस फिल्म में जहाँ पे मेरे को लगता है एक्टिंग को एक अलग ही लेवल पे ले गए, जहाँ पर वो कह रहा तुम मुझे गोली मार दो, मार दो ना, मार दो गोली, मार दो गोली वाला, सो लाइक दैट, सो ब्रिलियंट टीम। थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा रंगीला सीए, यानी कि विजेंद्र खाला जी, प्लीज कम ऑन स्टेज सर। लाइफ सर, सर प्लीज प्लीज कम। मुकुल सर आप, मैं बोले तेरी बात, अभी हमारे लिए भी कुछ बचा नहीं बताने के लिए, बस इतने बचा कि हम इस फिल्म को करने के बाद वेटरन करार कर दिए गए कि दो महारथी संजय मिश्रा विजेंद्र काला, तो इस तरह का एक चलन चला और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। एक सुंदर प्रयास जिशान ने किया, और चुहेट जो प्रशांत जी का जो सबके ऊपर बर्दहस्त बना रहा वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और मैं ईश्वर से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से आगे भी प्रयास बने रहें और अच्छा अच्छा काम होता रहे। So now finally, Zordar! Ladies and gentlemen, please welcome Sanjay Mishra. Gang rape, chola tha gang mama pehli baar. Kamal hai yaar gang. Prashant sir aur Shoaib bhai, jo aapne ye aag jalai hai, jisse ye agarbattiyan jali hain, iski khushboo cinema jagat mein, audience mein phaile, ऐसी दुआ करता हूँ मैं। और सब एक्टर ने कुछ ना कुछ बोल दिया है, इसकी पहली फिल्म है, इसके लिए हम सब ने दिल लगा के, और एक बात इसने कही थी जयदीप ने कि ये खाने के लिए वेट करते थे, ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा, ऐसी बीवी होती तो लाइफ मजा होता। भाई भाई आपके हर चीज का केयर शोएब भाई, शोएब भाई सर मैं करता हूँ ना, सर मैं करता हूँ बहुत ही। और मेरठ जैसी जगह जो हमेशा वेस्टर्न यूपी में लगती है, बहुत ही कमबख्त जगह होगी, वहाँ शूटिंग नहीं हो सकती, कैसे लिच्चा टाइप के लोग होंगे, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे थे, और फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा काटा है जिसने भी काटा है, नाम बता दिया, पार्थ, पार्थ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पार्थ, बुला लो, आ जाओ आ जाओ गुरु, आ जाओ जाओ, चल पाओगे तुम, उतरना है चलना नहीं, पार्थ ने ये ट्रेलर काटा है, शुक्रिया पार्थ हमें इतना खूबसूरत और महीन दिखाने के लिए। आते ही रहते हैं। थैंक्स पार्थ, थैंक्स, थैंक्स पार्थ। पेमेंट मत बताना प्लीज। कल भी आपने काटी है?
फिल्म देखी है मैंने, अभी मुझे मटेरियल अच्छा मिला तो काटने में इंटरेस्टिंग लगा। स्टोरी लीक मत करना फिलहाल अभी। ओके, तालियां बजा दे जोरदार इनके लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके नाउ ओवर टू मीडिया, जो भी सवाल आपके जहन में हो, पूरी की पूरी कास्ट जो है, प्रोड्यूसर्स जो हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, इस वक्त यहां पर मौजूद हैं स्टेज पर। अगर आप अनुराग कश्यप, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि यू वांट थिंग्स टू हैपन ऑर्गेनिकली ऑन सेट्स रादर देन द प्री प्लानिंग या डायलॉग्स और एक्टिंग, कैन यू से समथिंग अबाउट दैट टू? सी इट्स नॉट अबाउट दैट, ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माय करियर विद हिम, पर जब ये इस फिल्म की बात आई तो हार्डली हम लोग के पास 25 डेज थे प्री प्रोडक्शन के, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था, इवन फाइनल स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं लिखा हुआ था। जब हम प्री प्रोडक्शन कर रहे थे तो मैं स्क्रिप्ट लेकर लोनावला गया था, जहाँ पे मेरी मनोज सर से बात हुई और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अच्छा तुम कर रहे हो फिल्म कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला एक लड़का चाहिए, तो उन्होंने बोला जतिन है एक लड़का जिसको लो, वहाँ पर वो बात हुई थी लोनावला में ही, जो भी वो खुद बता के गया। जब मैं आया तो मेरा एक वर्किंग स्टाइल अलग है, क्योंकि मैंने कभी किसी को ना, मैं किसी फिल्म एजुकेशन से हूँ ना, FTI गया हूँ मैं कभी, ना NSD गया, ना कभी थिएटर्स गए। तो मेरा एक अपना विजन है कि मुझे ऐसे करना है, और ना मैंने कभी किसी को असिस्ट किया। तो ऑब्वियसली पहली फिल्म से बहुत कुछ सीखा भी है ऑफ द कैमरा कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सही से करके जाएंगे, तो है। एंड शूटिंग स्टाइल मेरा अलग है, आप जब देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। नहीं, उनके उनको बिल्कुल बोला गया, तो उस टाइम पे वो दूसरी फिल्म शूट कर रहे थे, तो उनसे बिल्कुल मैंने पूछा था कि सर मतलब आपके पास टाइम है, तो उन्होंने पहली बोल दिया यार कहा मेरे पास पहले बोलते कुछ, मैंने कहा यहाँ तो 20 दिन का प्री प्रोडक्शन हो रहा है तो टाइम नहीं था हम लोगों के पास। द लास्ट मूवी हैड अ रिवेंज काइंड ऑफ अ जॉनर कि हाँ बदला बदला, तो दिस इज ओनली अबाउट अपहरण और दैट इज कॉल्ड किडनैपिंग सर, और देयर इज समथिंग मोर टू द स्टोरी टू? मेनी थिंग मोर, या इट्स नॉट ओनली अबाउट किडनैपिंग, मतलब लाइक बदला बदला वाज नॉट अबाउट ओनली अबाउट मर्डर्स। डिड यू फाइंड ओनली मर्डर्स इन मासिपुर? नो, दे वर फीलर्स आल्सो, ना एक लाइफ है ना, गैंगस्टर की भी तो लाइफ है। तो वहां पे अलग घर है, अलग माहौल है, उनका अलग चल रहा था। यहाँ पे 6 लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक अलग लाइफ है। ये रातों रात जो आज हो जाता है कि यार हमको बस सब कुछ अभी अचीव कर लेना, तो वो एक मेंटालिटी से जो के जो लड़के होते हैं, ये उनकी कहानी है। उतनी कॉकी है, उतनी मजेदार है, आपको उतनी डरा के भी रखेगी कि यार ऐसे भी हैं। तो हर तरह के कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में जो आपको मजा दिलाएगी। अभी के लिए चौधरी हो गया हूँ, शाहिद खान मर चुके हैं। पठान सर, इन्होंने कम से कम आपका कैरेक्टर 15 बार देखा है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब सच अ बिग फैन ऑफ योर्स जयदीप। हां हां, वो तो वो लाइन कुछ ऐसी थी कि वो कह रहे थे कि अरे ये मरे हुए पठान हैं, इनके घरों में मरे हुए कटड़े पालते हैं, इतने जैसे अभी कौन कौन याद रखता है सर। उसके बाद पता नहीं कितने मिल गए थे, साल हो गए उसके बाद की, तो उसकी मतलब इतने लाइनें याद हो गई उसके बाद, तो अभी तो ध्यान में नहीं आता। और सच में बताऊं, अगर इतना याद, हम आपको बताते हैं कि चचा गाड़ी आगे मत चलाइएगा, पटरा उटरा उखाड़ दिए, अगर आगे जाइएगा तो भीतर चले जाइएगा। नहीं है, जितने रियल इंसिडेंट्स हुए थे वहां से जो मुझे मीडिया प्रूफ्स मिले, उसको कलेक्ट करके स्टोरी बनाना, तो वो चीजें बिल्कुल था। मेरा जॉनर ही वही है कि मुझे वो उस तरह की चीजें करनी है। मतलब एक बार ये था कि पहले बिहार था, अभी UP है, मे बी नेक्स्ट पंजाब हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था, मैंने 3 महीने 100 दिन अनुराग सर के साथ जब सेट पे मैं था, तो मुझे 100 दिन में वो शक्ल पे उनकी दिखती थी कि अगर इस आदमी को बोल दूं यार एक शॉट कर लो तो ये गोली मार देगा। तो वो शौक ही हट गया सेट पे, मुझे पहले से मालूम था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, वो प्रेशर आपका 10 कर देता है। मैं बड़ा फिल्मी आदमी हूँ यार, मैंने फिल्में इतनी देखी, लाइक मैं पढ़ाई नहीं करी, मैंने फिल्मी करी, मैंने एडमिशन भी लिया था
मेरठ में ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं हमेशा बोलता मैंने एडमिशन लिया था, मैंने पढ़ाई नहीं करी. लोग बोलते ना मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने वहाँ एडमिशन लिया था. तो गलियों में पढ़ा हूँ और फिल्में देखी हैं, तो बहुत फिल्मी आदमी. तो मुझे एक चीज़ जो चीज़ें होती है ना कि यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं, तो बचपन से तो थोड़ा रिबेलियस चाइल्ड भी हूँ. तो यहाँ पे भी आके थोड़ा फैमिली बनी, उसके बाद उस फैमिली से जब मैं थोड़ा बाहर निकला कि वो होता है कि पापा डर देते तुझे बाहर निकाल दे तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसी अनुराग सर ने पर बोला, मैंने कहा अच्छा मैं बाहर निकल के करूँगा. तो मैं बाहर निकल गया वहाँ से. फिर चीज़ें की होता कि यह बिलीव था कि करूँगा करूँगा करूँगा, अच्छा करूँगा, गलत नहीं करूँगा, और हौसला नहीं हारूंगा. वो आज भी है, वो कल भी रहेगा. वो एक आदमी का एक एटीट्यूड है, आपको बनाना पड़ता है. तो ये रखिए, बाकी सब कुछ होगा. उत्साह के साथ कैलकुलेटिवनेस, मतलब को उनको चैनलाइज कैसे करते हैं? यार कैलकुलेशन तो यहाँ कुछ है ही नहीं इंडस्ट्री में. सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ आने के बाद मालूम चली थी वो यही मालूम चली थी कि यहाँ कैलकुलेटेड कुछ नहीं है, कि 2+2=4 है, नहीं है. ये अगर ये हीरोइन के साथ ये हीरो और ये डायरेक्टर आएगा तो ये फिल्म हिट है, नहीं है. ये चार लोग आएंगे और ये नया डायरेक्टर होगा, ये फिल्म फ्लॉप होगी, नहीं है, वो भी हिट हो जाएगी. तो यार कैलकुलेशन कुछ नहीं है. तो सबसे बड़ी चीज यही है आपके लिए, इसीलिए आप सबको उम्मीद भी रखनी चाहिए न्यू कमर्स को, क्या कैलकुलेशन नहीं है भाई, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत आएंगे. हर आदमी तोड़ने वाला आएगा, हर आदमी आके ये बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी होता है. अरे ऐसा होता है, एग्जांपल्स हैं. मैं अकेला नहीं हूं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे लोगों ने किया है, मैं अकेला नहीं हूं. तो उनको देख के मैं भी प्रेरित हूं. आप पहले मुझे ये बताओ, अगर एक हीरो 4 बिलियन को मार रहा है वो भी तो क्राइम है ना. वो अभी तो इतना ईजी हो गया, मोबाइल निकालो, कॉल करो ना पुलिस को, खड़े रहो वहां पे. बट हीरो तो मारता है ना, इज दैट नॉट क्राइम? बट हम क्राइम को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं. मुझे सिर्फ ये कि ठीक है, बनाने दो ना. ऐसा मैं इंटरटेनमेंट यहाँ पर इंटरटेनमेंट सेक्शन में हूँ, तो मुझे इंटरटेन करना है लोगों को. मैं जो ये बात होती ना कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता के लिए सबसे आसान वाली चीज क्या है? ज्ञान दो भैया. सबसे पहले ज्ञान देने सब आ जाएंगे पैदा होते ही. अच्छा तुम ये पढ़ लो, तुम यहाँ पहन लो, तुम ये खा लो, से लेके हर जगह हर आदमी ज्ञान देने के लिए आ जाएगा. पर सिनेमा से ज्ञान लेना तो लो ना, अच्छा ज्ञान आप खुद ले सकते हो, फाइट हो रहा नहीं करना है. तो मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता किसी को, मैं एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ जो मैंने पूरी कोशिश की. आपको देख के फिल्म समझ में आएगी. भारतीय सिनेमा में वैसा प्यार नहीं होता जो हम पर्दे में देखते हैं, भारतीय समाज में वो प्यार नहीं होता है. तो ग्लोरीफाई हम प्यार को करते हैं ना कि क्राइम. मुझे नहीं लगता है कोई क्राइम को ग्लोरीफाई करता है. क्राइम मुझे लगता है समाज में बाय लार्ज उतना ही है जितना सिनेमा पर दिखाई देता है.